वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज, ये आपकी अप्रैल और मई की बोनस रीडिंग है और ये आपकी जनरल लाइफ की रीडिंग है, प्रेडिक्शन है। तो जो प्रेडिक्शन है वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप्स। ओके, और मेरा ये इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यू मिल सके इस वीडियो से, तो आप अपने ऊपर उतना ही लेना जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज़ आई विल मेक श्योर कि आप सबको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस जानने को मिले। ओके, तो उतने ही मैसेजेस खुद पे लें जितना आपको आपकी लाइफ से ट्रू लग रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, स्कॉर्पियो के यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं और गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव टू ऑफ कप्स, ओके, एंड द सन। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो अमेजिंग। यहाँ पे टू ऑफ कप्स है। टू ऑफ कप्स किसी के साथ में बॉन्ड बनना, फ्रेंडशिप बनना या फिर रिलेशनशिप में आना, किसी के साथ में कोलैबोरेशन करना, किसी के साथ में कुछ मिलके काम शुरू करना, ये सारी चीज़ें बताता है। बेसिकली ये बॉन्डिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जो कि या तो आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। और ये बॉन्डिंग आपकी लाइफ में द सन की एनर्जी लेके आ रही है, और सन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को और अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी के साथ आपका बॉन्ड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएगा और पॉजिटिविटी, जॉय या फिर अबंडेंस लेके आएगा। ओके, और उस ओ माय ओ व्हाट इज हैपनिंग, ओ माय गॉड, यहाँ पे द लवर्स है और उसके बाद में मैजिशियन है। सी द लवर्स ऐसी जब जनरल रीडिंग्स में आता है तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात बता सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है। और अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है तो ये करियर गोल से रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज द लवर्स इज़ अबाउट कमिटमेंट। तो वो कमिटमेंट आपका आपके करियर से भी हो सकता है या फिर किसी पर्सन से भी हो सकता है। जैसे कि आपको कोई जॉब मिली, यू नो, बहुत ही, और उस जॉब में आपका सिलेक्शन हो गया और आप उस जॉब में बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड हो गए, सिक्योर हो गए, आपको पैसे अच्छे मिलने लगे, वो भी एक कमिटमेंट की तरह ही होता है। और या फिर ये कमिटमेंट यू नो रिलेशनशिप्स का भी हो सकता है, बट आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने खुद के मैजिक से। तो यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशंस आपके कमिंग एक दो महीने में लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आपके। आई एम सो अमेज्ड। उसके बाद किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है और टेम्परेंस की एनर्जी है। किंग ऑफ वांड्स या तो आपकी लाइफ में किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस की प्रेजेंस ओह माय गॉड, आई एम फंबलिंग, आई एम सॉरी, किसी मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता सकता है कि कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस आपकी लाइफ में है जिसके साथ में आपका कनेक्शन बहुत ही बैलेंस में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है। टेम्परेंस मतलब कंपैटिबिलिटी भी होती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई फायर साइन है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपका पार्टनर है या फिर कोई भी ये इंसान हो सकता है, उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी कमिंग मंथ्स में। कंपैटिबिलिटी बढ़ना मतलब कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ना और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स ये भी बता सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप खुद किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं, मतलब कि अगले एक दो महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग रहने वाले हैं, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी एक एक्सप्लोरर की एनर्जी होती है। आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप नए कैफेज को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप नई जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप नए नए लोगों से बातें कर रहे हो और यू नो लाइफ को एक्सप्लोर करना, लाइफ में एक्सपैंड करना, अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करना, बिकॉज किंग ऑफ वांड्स एक एक्सप्लोरर है। तो जहाँ पे वो है अभी, वहाँ से ज़्यादा इसको दुनिया देखनी है, वहाँ से ज़्यादा दुनिया एक्सपीरियंस करनी है। तो अक्सर ये कार्ड आता है जब आप नई हॉबीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, अपने करियर को एक्सपैंड करते हैं या फिर अपने होराइजन्स को बेसिकली एक्सपैंड करते हैं। तो हो सकता है कि आप एक एक्सप्लोरर की तरह रहें कमिंग मंथ्स में। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही हार्डकोर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है आप ट्रैवल करें। और अगेन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस आपकी लाइफ में लेके आएगी, आप खुश रहेंगे इस चीज़ से, ये जो भी चीज़ है उससे। और उसके बाद हमारे पास में नाइट ऑफ कप्स है। ओके, इंटरेस्टिंग।
और एट ऑफ कप्स है। देर इज़ अ चांस कि पहले आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड थे, उस चीज़ में अब आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहले किसी चीज़ के लिए आप नाइट ऑफ कप्स फील करो, पहले किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पिछले कुछ महीनों में, और अब आपका उस टॉपिक से इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है और आप अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो आप कमिंग डेज में अपने डायरेक्शंस को लाइफ में चेंज करते हुए दिखेंगे। जैसे पहले आपको लगता था मुझे ये जॉब चाहिए, बट फिर आपका दिमाग बदल जाएगा और आप किसी और टाइप की जॉब ढूंढने लग जाएंगे। पहले आप किसी पर्सन में इंटरेस्टेड थे, बट आप अभी उस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप किसी और में इंटरेस्टेड है, ये कुछ भी हो सकता है। आपकी हॉबीज़ में चेंजेस, तो बेसिकली हमारा मन बदलना, हमारी पर्सनालिटी बदलना, हमारा पसंद और नापसंद बदलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है। देर इज़ अ चांस कि आप अपने गोल्स को चेंज कर लें, आप अपने ड्रीम्स को चेंज कर लें, एंड दिस इज़ समथिंग जो आप खुद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ आपसे ज़बरदस्ती करवा रही है कि आपको ये चीज़ पसंद है तो इसको छोड़ दो, नहीं, ये आप खुद कर रहे हो कि आपको खुद को अब आपका लाइफ में इंटरेस्ट ना चेंज होता जा रहा है। तो क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्लोरर भी दिख रहे थे, आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे, तो पहले जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उस चीज़ में इंटरेस्ट आपका कम हो रहा है और आप किसी और ही अलग ही डायरेक्शन में लाइफ में जाते हुए दिख रहे हैं। डू रिमेंबर, ये कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है या फिर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है, बट आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, एक इंटरेस्ट से निकल के दूसरी इंटरेस्ट में जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सी आपकी एनर्जीज में मुझे बहुत ही एक अच्छा चेंज दिख रहा है कमिंग मंथ्स में, मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। आप अपने रास्ते ना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रास्ते आप बदलते हुए दिख रहे हो, तो बेसिकली जो मेजर चेंज एक दो महीने में हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप इमोशनल एनर्जी से निकल के और थोड़ी सी प्रैक्टिकल एनर्जी में अपनी लाइफ में जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि आप अपने इमोशंस को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, और इमोशंस आपको हो सकता है रियलाइज़ हुआ हो कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हूँ, या फिर मैं ये डिसीज़न इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे इमोशन से रिलेटेड, बट मुझे लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को भी समझना पड़ेगा। तो आप ना अपनी एनर्जीज़ को किंग ऑफ कप से स्विच करके नाइट ऑफ कप से स्विच करके नाइट ऑफ पेंटिकल में जा रहे हो, मतलब कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी लाइफ को लेके रख रहे हो और आप ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे आपको ना अबंडेंस मिल सके, स्टेबिलिटी मिल सके। तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग से अपनी लाइफ में डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज आप जब जब अपने इमोशंस में बह के आपने कुछ काम किया है तब तब आप हर्ट हुए हैं यहाँ पे। तो अभी एक मेन चीज़ होगी कि आप अपने इमोशंस से निकल के आप अपने प्रैक्टिकल नेचर में ज़्यादा स्टैंड करेंगे, तो प्रैक्टिकल दिख रहे हैं आप। उसके बाद में पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, आपकी डेस्टिनी आपको कहीं पे लेके जा रही है। ये आप नहीं है, ये आपकी डेस्टिनी है, ये आप नहीं है, ये आपकी सोल है, ये डिवाइन है, ये यूनिवर्स है जो आपकी लाइफ को अच्छे वे में चेंज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। और व्हील ऑफ फॉर्चून को जैसे हम साउथ एशियन कंट्रीज़ में इस कार्ड का मीनिंग हम भाग्य परिवर्तन की तरह निकालते हैं, चेंज इन डेस्टिनी, कि चेंज इन डेस्टिनी हमारी बदल रही है। और क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो ये व्हील जब भी घूमती है तो पॉजिटिव साइड में घूमती है, और मतलब कि आपकी डेस्टिनी पॉजिटिव साइड में टर्न ले रही है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, और ये व्हील बहुत ही धीरे धीरे टर्न हो रही है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बट अगले 2-3 महीने में आप बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। और आपने ये टर्न इन डेस्टिनी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आने वाले 1-2 महीने में शुरू हो चुका है ये, तो अप्रैल और मई की मंथ में आप इसे फील कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आप, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव जो आपके जीवन में आ रहा है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव है। जैसे कि बहुत ही टाइम से आप पैसे नहीं कमा रहे थे तो एक बहुत ही स्टेबल जॉब मिल जाना, बहुत ही टाइम से किसी चीज़ को, बिज़नेस को अपने कोशिश कर रहे थे कि अच्छे लेवल पे ले जा सके तो अचानक से आपका बिज़नेस ग्रो करने लगना, आप रिलेशनशिप में बहुत टाइम से अकेले थे तो अचानक से कोई रिलेशनशिप ग्रो करने लगना, तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है। बट ये पॉजिटिव चेंज बहुत ही धीरे धीरे करके आएगा, क्योंकि आप पेज ऑफ वांड्स की तरह दिख रहे हैं।
पेज ऑफ वांड्स मतलब कि आपने इस बड़े बदलाव में अपना छोटा सा कदम रखेंगे अगले एक दो महीने में, तो अचानक से सब कुछ चेंज नहीं होगा बट आपको महसूस होने लगेगा, यूनिवर्स आपको डायरेक्शन देने लगेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे कि किसी ने आपको आके बोला कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी है तुम्हें ये करना है क्या, तो आप स्टार्टिंग में सोचोगे कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो ऑलरेडी अच्छी जॉब में हूँ, तो ठीक है पर लेट्स गो ट्राई कर लेते हैं इस जॉब में, इंटरव्यू दे के देखते हैं। और आप ऐसे ही मजाक मजाक में इंटरव्यू दे रहे हो बट आपको थोड़े दिन बाद ये रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं मुझे, या फिर ये तो बहुत ही सिक्योर जॉब है, यहाँ पे मुझे अब यू नो फ्रीडम मिलेगी काम करने की, मतलब ऐसा कुछ आपको फीलिंग यहाँ पे आ रही है। तो स्टार्टिंग में कुछ बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, बहुत ही कैजुअल लगेगा, पर जैसे ही आप उस डायरेक्शन पर चलना शुरू करेंगे आपको रियलाइज़ होगा ओ माई गॉड इस डायरेक्शन पर चल के मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। तो इसीलिए आप पेज ऑफ वांड्स की तरह दिख रहे हैं कि आप एक दो पॉजिटिव स्टेप्स उस तरफ ले रहे हैं बट ये चीज़ बहुत बड़ी बन जाएगी आपके लाइफ के लिए इन ऑल द पॉजिटिव वेज। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत बदल रही है एक्चुअली। सो अगर आप में से कुछ कोई लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यू नो कुछ कोर्सेस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी हो सकता है, बिकॉज पेज ऑफ वांड्स इतनी छोटी सी एनर्जी है कि कई बार ये स्टूडेंट्स की एनर्जी भी बताती है कि किसी चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी एग्ज़ाम निकल गई और अचानक से हमें कोई बड़ी जॉब मिल गई जो हमने यू नो हमारे लिए बहुत ही अनयूजुअल है, वैसी चीज़ें। तो कुछ अनयूजुअली अच्छा होते हुए दिख रहा है आपके साथ में। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल है और फोर ऑफ वांड्स है, आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। सी यहाँ पे कैसे आपकी एनर्जीज ट्रैवल हो रही हैं, यहाँ पे हमने नाइट ऑफ पेंटिकल देखा था तो हमने ये देखा था कि आप थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी लाइफ को लेके रख रहे हो, तो प्रैक्टिकल अप्रोच में कई बार हमारा करियर भी आता है कि हम अब लाइफ में प्रैक्टिकल हो गए तो हम अपने करियर या पैसों पर फोकस कर रहे हैं, राइट, या फिर अपने लाइफ की स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ये किंग ऑफ पेंटिकल में चेंज हो रही है, तो बेसिकली ये प्रमोशन की तरह है, जैसे पहले पेज होता है फिर नाइट आता है फिर किंग आता है, ऐसे ही हम धीरे धीरे करके मैच्योर बनते हैं या फिर अबंडेंट बनते हैं। तो यहाँ पे ये मेहनत की एनर्जी थी लाइफ में, यस आगे बढ़ रहे हैं जो करना है कर रहे हैं बट यहाँ पे हमने वो चीज़ हासिल कर ली है। ओके, यहाँ पे हम ऑलरेडी सेटल अप हो चुके हैं, अबंडेंट हो चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एक वो पर्सन होता है जो फाइनेंशली बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, फाइनेंशली सिक्योर है, फाइनेंशली स्टेबल है। ये घर का वो पर्सन है जो अपने घर की भी हेल्प करता है, यू नो फाइनेंशली और इमोशनली। ये घर का वो बड़ा इंसान है जो सबकी जिम्मेदारियाँ उठाता है, तो इसीलिए इस किंग को, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इस किंग को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर किंग बोलते हैं, बिकॉज ये सेटल्ड है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, सब स्मूथली चल रहा है। ये खुद को भी प्रोवाइड कर रहा है, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है, और अपनी इस करियर की सक्सेस को, मुझे मोस्टली करियर या पैसों से रिलेटेड लग रहा है, तो इस सक्सेस को आप यहाँ पे फोर ऑफ वांड्स से सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं अप्रैल या मई के महीने में। ओ माई गॉड आई एम फंबलिंग सो मच टूडे, आई एम रियली सॉरी। और अब ये मैंने आपको बताया कि करियर से रिलेटेड था बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सम केसेस ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है, कन्या राशि, वृषभ राशि या मकर राशि। तो ये कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में थोड़ी सी सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस लेके आए, तो यस ये चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो बहुत ही अच्छी दिख रही है आपके लाइफ के लिए। सॉरी, यहाँ पे जस्टिस है और नाइट ऑफ वांड्स है। सी जस्टिस और नाइट ऑफ वांड्स, जस्टिस मिलना मतलब कि लाइफ में आपको वो मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं, सिंपल, राइट, आपके अच्छे कर्माज आपको मिल रहे हैं और आपके अच्छे कर्माज आपको रीपे हो रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा देजावू हो रहा है आपकी रीडिंग को देख के, बिकॉज़ मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि अप्रैल की जो मैंने मेन रीडिंग आपकी की थी ना, जो येलो थंबनेल्स वाली है, उसमें भी बहुत ही सिमिलर मैसेजेस आए थे। मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है, स्पेशली पेज ऑफ वांड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो उस रीडिंग को ज़रूर आप देखिएगा। तो यहाँ पर जस्टिस है, जस्टिस हमें क्या बता रहे हैं कि स्केल बैलेंस हो रही है। सबसे पहले तो जिन भी लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, यू नो
कुछ ऑफिशियल चीज़ें चल रही हैं तो आपके फेवर में जाएंगी वो सारी चीज़ें. सो यस. और उसके बाद में आप जस्टिस इन लाइफ हम देखें तो जस्टिस मिलना मतलब कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल रहा है. और ये चीज़ बहुत ही फायर के साथ में आपकी लाइफ में आ रही है. जस्टिस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फायर के साथ आपके लाइफ में आ रही है. तो ये भी बहुत ही अचानक से लाइफ में आने वाली एनर्जी है. और आपकी लाइफ में बहुत ही अचानक अचानक वाली एनर्जीज काफ़ी हैं. तो बहुत ही ज़्यादा ओपन रखिएगा अपने दिमाग को और अपने दिल को, क्योंकि आसपास आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी अगले 1-2 महीने में. और वो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं कि आपकी ज़िंदगी को लिटरली बदल दें. बिकॉज़ काफ़ी प्रोफाउंड आपके कार्ड्स इस बार आ रहे हैं. यहाँ पे द चैरियट है और यस गॉड यार स्कॉर्पियोज़ आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं. आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट दैम. तो यहाँ पे चैरिट की एनर्जी है. घबरा घबरा के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. घबरा घबरा के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. आप लाइफ की जर्नी को बहुत ही घबरा घबरा के कंप्लीट कर रहे हो. थोड़ा सा आपको डर लग रहा है, थोड़ा सा आप घबरा रहे हो अपनी लाइफ में कि आई डोंट नो आगे क्या होगा. आई डोंट नो जो मैंने रास्ता चूज़ किया है वो रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं है. तो पहले तो मैं इतना बता दूं आप लोगों को कि रिसेंटली आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, रिसेंटली कोई रास्ता आपने अपने लिए चूज़ किया है. बिकॉज़ यहाँ पे भी रास्ता ही था जो आप चूज़ करके आगे बढ़ रहे थे. ओके. तो अगर ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले चुके हैं, ऑलरेडी आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये डिसीज़न आपका आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है. बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट आपका ये डिसीज़न है. जो भी डिसीज़न आपने पिछले कुछ समय में लिया है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आप में से कुछ लोग इस डिसीज़न को लेके काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग रखते हुए दिख रहे हैं. बिकॉज़ आप थोड़े से घबरा रहे हो. आप सोच रहे हो कि ओके, मैंने डिसाइड तो कर लिया पर आगे क्या होगा, मैंने अपना रास्ता तो चूज़ कर लिया है पर आगे क्या होगा. आगे अगेन आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होते हुए दिख रहे हैं. आप अबंडेंट दिख रहे हैं. आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आपके पास तो कंफर्ट, आपके पास प्यार और पैसों की शायद कमी ना हो. या तो प्यार या तो पैसा, दोनों नहीं है. कुछ एक तो बहुत ही भर भर के मिल रहा है आपको. या तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है या तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है. अब इस चीज़ आप इस लेवल पर पहुँच रहे हैं लाइफ में कि दूसरों से भी उस चीज़ को आप शेयर करेंगे. जैसे अचानक से आपको लाइफ में प्यार बहुत मिलने लग गया, फौर से आपके लाइफ पार्टनर से मिलने लग गया. तो आप इतने ज़्यादा खुश हैं और हैप्पी हैं कि आप हर किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, आप हर किसी को प्यार बांट रहे हैं. या फिर आप पैसे अच्छे कमा रहे हो, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो आप उससे चैरिटी कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहे हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो. तो ये जो भी रास्ता है, थोड़ा सा डर डर के आप आगे बढ़ रहे हो, बट देन ये रास्ता आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट बना रहा है. तो जो भी चीज़ आपको अबंडेंस में मिल रही है, आप इसे लोगों में भी बांटते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में. तो घबराइए मत, जस्ट कीप गोइंग. जो भी डिसीज़न लिया है आपने या जो भी चूज़ किया है आपने, उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी. ओ माई गॉड. ओके. सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है और फाइव ऑफ सॉर्ड्स है. मैं ऐसी बातें टैरो रीडिंग्स में करती नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे ये सब बातें थोड़ी सी टॉक्सिक लगती हैं, टू बी ऑनेस्ट. अपने आप के बारे में ब्रैक करना या फिर, बट यहाँ पे जो यहाँ पे ये हो रहा है कि आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हो. क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी अगर आप मेल स्कॉर्पियो हैं या फिर फीमेल स्कॉर्पियो हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्वीन ऑफ वांड्स बस एक एनर्जी होती है. और आपकी ये एनर्जी ऐसी लग रही है स्कॉर्पियो कि आप इतने ज़्यादा अबंडेंट लग रहे हो. मेल फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लीज़ एनर्जी समझिए. आप इतने ज़्यादा चार्मिंग और अबंडेंट लग रहे हो कि यहाँ पे कुछ लोगों को आपकी इस चार्म से, इस अबंडेंस से प्रॉब्लम हो सकती है. आप शाइन कर रहे हो. आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, आप शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो. बट कुछ लोग आपकी लाइफ में इस चीज़ से खुश नहीं दिख रहे हैं. मे बी दे आर लिटिल बिट जेलस, या फिर आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं. हम सबकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं मोस्टली लोगों की लाइफ में. तो वो भी हो सकता है कि लोग आपको देख के थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हो. और बट यहाँ पे आप शाइन कर रहे हो. तो कुछ लोग कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पहुंचाने की. देर इज़ अ चांस, बट जस्ट इग्नोर देम. और आप इग्नोर कर भी रहे हो बिकॉज़ यहाँ पे आप इतनी अच्छी एनर्जी में हो. यहाँ पे आपके हाथ में
मैजिक वांड है और यहाँ पे आप इन लोगों को अपने मैजिक से ही इग्नोर कर रहे हो, अपने चार्म से ही इग्नोर कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ओके ये लोग मेरे लेवल के लोग नहीं है, मुझे इनसे बात नहीं करनी है। और लेवल के क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग टॉक्सिक हैं। उसके बाद फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी और एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग हियर गॉड। अगर इसका मतलब आप सबकी लाइफ में अगर ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई ना, चाहे कोई एक एस्पेक्ट भी क्यों ना हो, क्योंकि एक लाइफ का वो एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हुए दिख रहा है, लाइक अनस्टॉपेबल आप दिख रहे हो। अगेन फोर ऑफ सॉर्ट्स आया है और एस ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट बताता है, एक्सट्रीमली फुलफिल्ड फील करना, एक्सट्रीमली अच्छा फील करना, एक्सट्रीमली लव्ड फील करना। और लव्ड मतलब कोई पर्सन के साथ लव नहीं, ये ज़िंदगी के साथ प्यार है, यू नो, कि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो गया है और आपको खुद से प्यार हो गया है। और ये पीस है आपकी ज़िंदगी का, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, आप बस खुश हैं, आप पीसफुल हैं, आप शांत हैं, आपको अच्छी लग रही है ज़िंदगी और अच्छा लग रहा है आपको। तो अगेन ये सुकून और ये प्यार भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स पेन बताता है, हार्ट ब्रेक बताता है, फेलियर बताता है। इस थ्री ऑफ सॉर्ट्स से, ये थ्री ऑफ सॉर्ट्स आपकी लाइफ में आए तो आपने रास्ता बदल लिया, क्योंकि आपको पहले ये लगा था कि आपके इमोशंस हमेशा आपको हर्ट करते हैं, ओके? इस कारण आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और आप नाइट ऑफ पेंटिकल के रास्ते पे चलने लग गए, जहाँ पे आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए और सारी चीज़ें। ये थ्री ऑफ सॉर्ट्स अब फोर ऑफ सॉर्ट्स में चेंज हो रहा है, मतलब पुराना पेन तो हील हो ही गया है, पर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो गई है कि आप खुल के इमोशनल हो सकते हो। लाइक आप लाइफ में इस लेवल पे पहुंच गए हो कि अगर आप बहुत टाइम से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि दुनिया में कोई मेरे इमोशंस को नहीं समझता या फिर किसी भी चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिलती है, तो आपका जो वो इमोशनल साइड डिम हो गया था। एंड आई थिंक वो सही टाइम पे डिम हुआ था, जब आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत थी तो वो थोड़ा सा डिम हो गया था। बट ना, वो अब इमोशंस ही आपको अच्छे लग रहे हैं। जिन इमोशंस से आप भाग रहे थे वही इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। और यहाँ पे जो पेन आपको मिल रहा है, ये पेन से आप बाहर आ चुके हैं, आप हील कर चुके हैं। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, फोर ऑफ सॉर्ट्स, अमेजिंग। उसके बाद है नाइन ऑफ कप्स, उसके बाद है टेन ऑफ वांड्स। वाओ, नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट बताता है, अगेन कोई विश पूरी हो रही है। अगेन ये कार्ड ये बताता है कि सुकून है लाइफ में, खुशियां हैं लाइफ में और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, राइट? बट प्राइमली इस कार्ड का मीनिंग होता है विश फुलफिलमेंट, और विश फुलफिलमेंट बहुत ही टाइम के स्ट्रगल के बाद आपकी लाइफ में आ रहा है। तो यस, अगेन मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी रीडिंग लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात कर रही है, एक पर्टिकुलर लाइफ का एरिया जो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने वाला है, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं, ओके? अब कुछ और पर्सपेक्टिव देखते हैं आपकी लाइफ का, क्योंकि ये डेक बार बार हमें इसी सिचुएशन के बारे में बता रही है। तो जब ऐसा होता है तो डेक चेंज करने का टाइम आ गया है, मतलब ओके, बिकॉज अब हमें आपकी डेक दो चीज़ें बता रही है कि कैसे आपने पास्ट में स्ट्रगल किया और कैसे अब आप बेटर एनर्जीज में जा रहे हैं। बट अब हम और पर्सपेक्टिव देखते हैं, और पर्सपेक्टिव है नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। दूसरी डेक उठाई हमने और सेम मैसेजेस आने लगे, ओके? तो आई थिंक यूनिवर्स का हो गया है, यूनिवर्स आज हमें यही बताना चाहते थे। तो यहाँ पे टू ऑफ कप्स है बॉन्डिंग, यहाँ पे टू ऑफ कप्स है बॉन्डिंग, यहाँ पे है इमोशनल फुलफिलमेंट। तो सेम रिपीट हो रहे हैं मैसेजेस, ओके? यहाँ पे है टेम्परेंस, यहाँ पे भी था टेम्परेंस। तो आई थिंक कि यूनिवर्स आज हमें इतने ही मैसेजेस देने वाले थे जो हम ले चुके हैं। अब हम आपकी गाइडेंस की पार्ट पे आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स के मैसेजेस है और गाइडेंस है आपके लिए स्कॉर्पियोज। ओके, पहला गाइडेंस है, ओके, अनफाउंडेड फियर, फोकसिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोज, अलाउविंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स हमें, आपको देखना है कि कौन सी गाइडेंस आपके लिए है। यहाँ पे यूनिवर्स आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप
लाइफ में आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं हैं जितना बड़ा आप उसको बना रहे हैं. आउट ऑफ प्रपोर्शन, आपकी चिंता एक्चुअल प्रॉब्लम से आउट ऑफ प्रपोर्शन जा रही है. मतलब कि जो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है उसको आप अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना रहे हैं, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम के बारे में अब सोचना छोड़ दें और यूनिवर्स को सरेंडर कर दें. फोकसिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियो, रात में बैठे बैठे आप वर्स्ट एकदम सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो ये वर्स्ट नहीं होगा. तो प्लीज़ नेगेटिव थिंकिंग अपनी छोड़ दें, डर से बाहर आएं. बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपको लग रही है. चीज़ें, सारी चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, इसके बारे में सोचना बंद करें. ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्सेसिव थिंकिंग आप में से कुछ लोगों की चल रही है, कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, वर्स्ट केस सिनारियो को आप लोग इमेजिन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा थम जाइए. ओके, और जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे आप वर्स्ट केस सिनारियो को बैठ के सोच रहे हो ना, आप बैठे हो घर में, आप रूम में बैठे हो अपने, रात में आप सोने वाले हो, और सोते सोते आप एकदम ख़राब सोच रहे हो, ये हो गया तो वो हो गया, तो ये गलत हो गया, ये प्रॉब्लम कभी नहीं गई, तो मैं खुश कभी नहीं रही, तो पैसे कभी नहीं हुए, तो रिलेशनशिप कभी नहीं आया, तो ऐसे ऐसे सोच रहे हो. बट मैनिफेस्टेशन का रूल क्या होता है कि बेस्ट केस सिनेरियो आपको सोचना है. तो जब आपका दिमाग नेगेटिव थॉट्स बनाएं, तो अपने दिमाग को समझाएं कि पॉजिटिव सिनेरियोज बनाएं. ओके, बस इतना यूनिवर्स आपको बता रहे हैं. लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन. अब आप में से कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स का मैसेज है रिलीज का, अभी टाइम आ गया है पास्ट से बाहर निकलने का. लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी. एक ऐसी एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में जो अब जगह बना रही है नई अपॉर्चुनिटी के लिए. तो ये एंडिंग तो पहले हो चुकी है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या एंडिंग है. तो अभी इस एंडिंग को लेट गो कर दो, जिससे कि स्पेस क्रिएट हो सके नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. और उसके बाद क्या है, टाइम टू मूव ऑन. अब मूव ऑन करने का वक्त आ गया है स्कॉर्पियोज. उसके बाद है इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट टू हियर. आप में से कुछ लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन शायद से पहले मिली है, कुछ आपको जानने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली जिस इन्फॉर्मेशन ने शायद आपको हर्ट किया होगा, और आपको कुछ जानने को मिला, या फिर आपको कुछ न्यूज़ मिली, शायद वो न्यूज़ आपको अच्छी नहीं लगी, शायद वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी नहीं लगी. बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जो चीज़ आपने सुनी है, जो चीज़ आपने देखी है, उसे एक्सेप्ट करें, उस चीज़ से डिटैच हो जाए और लाइफ में आगे बढ़ें. जैसे कोई गलत न्यूज़ आपको आपकी लाइफ के बारे में मिली, आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गए उस न्यूज़ को सुन के, तो यूनिवर्स अभी हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी उससे डिटैच हो जाओ, वो चीज़ हो चुकी है, उससे आप डिटैच हो जाओ और अभी आगे बढ़ो ना. तो थोड़ा सा डिटैचमेंट की ज़रूरत है. ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लेट गो जैसा ही है. तो कुछ बात जानने को मिली, उसको डाइजेस्ट करो, प्रोसेस करो, उससे डिटैच होकर लाइफ में आगे बढ़ो. ओके, उसके बाद है डिलेज आर ओवर. व्हील ऑफ फॉर्चून वही कार्ड है जो हम डेस्टिनी, चेंज ऑफ डेस्टिनी के बारे में बात कर रहे थे ना, वही कार्ड है व्हील. यहाँ पे लिखा है डिलेज आर ओवर. तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ के डिलेज अब ख़त्म हो चुके हैं, सडनली या अनएक्सपेक्टेडली कुछ गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है. ओके, सो यस, यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आप बहुत टाइम से वेट करें तो डिलेज आर ओवर, और कुछ बहुत ही सडनली अनएक्सपेक्टेड कोई गुड लक आपकी लाइफ में आएगा. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपको एक बहुत ही शानदार सा ट्रैवलिंग का मौका मिले, या फिर आप नई गाड़ी खरीदें. द मून पावरफुल इंट्यूटिव इपिफनीज, लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ ऑफ अ सिचुएशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, और बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है, और बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज है. सबसे पहले तो इस कार्ड पे लिखा है कि लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, मतलब कि अगेन अपनी चिंता को और अपने डर को छोड़ दीजिए. आपको अगले कुछ दिनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएंगे. इंट्यूशन इपिफनीज क्या होती है, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, या फिर वॉक कर रहे हो, आप अकेले सॉलिट्यूड में हो, चाहे आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो उस टाइम पे, जर्नलिंग कर रहे हो या म्यूज़िक सुन रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी,
उस टाइम पे जब आप सॉलिट्यूड में रहोगे तो आपका इंट्यूशन आपसे बहुत ज़्यादा लाउडली बातें करेगा और आपको इपिफनीज होंगी। इपिफनीज मतलब अचानक से कुछ रियलाइज़ हो जाना, अचानक से कुछ रियलाइज़ हो जाना, अचानक से आपने दिमाग में सोचते सोचते किसी पज़ल को सॉल्व कर लिया, अचानक से आपको किसी सिचुएशन का सच समझ में आ गया, अचानक से आपको आपकी लाइफ का डायरेक्शन मिल गया, अचानक से आपको आपकी लाइफ का पर्पस समझ में आ गया। इसको इपिफनीज बोलते हैं, मतलब कि आपका इंट्यूशन ने आपको समझा दिया है और आपको क्लियर हो गया है किसी टॉपिक के बारे में। तो आपको इपिफनीज होंगी, आप सॉलिट्यूड में रहोगे तब, कुछ आप कर रहे हो अपने सॉलिट्यूड में और वहाँ पे आपको इपिफनीज हो रही हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी डर और चिंता को छोड़ें जिससे यूनिवर्स आपको इपिफनीज के थ्रू आपका रास्ता गाइड कर सके। ओके, ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि आपकी लाइफ के किसी भी सिचुएशन के सच को आपको एक्सेप्ट करना है, उस सच से आपको भागना नहीं है स्कॉर्पियोस। ओके, और आपको पता है मैं इपिफनीज की बात कर रही हूँ, आप लोग स्कॉर्पियोज़ हो, स्कॉर्पियोज़ ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं, स्कॉर्पियोज़ में बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है, राइट? आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होते हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो और आप सुन पा रहे हो, आप कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। इनडिसाइसिवनेस इज़ होल्डिंग यू बैक, मेक द चॉइस दैट्स बेस्ट फॉर यू रैदर देन ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। इनडिसाइसिवनेस, कुछ आप में से कुछ लोगों को, मैं डिसीजंस की बात कर रही थी, मैं बोल रही थी कि आपने जो डिसीज़न लिया है अच्छा लिया है, बट यहाँ पे आप में से कुछ लोगों ने डिसीज़न अभी तक नहीं लिया है, मतलब आपको कोई डिसीज़न लेना है अभी लाइफ में और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि डिसीज़न ले लीजिए, अब जिस डिसीज़न को आप बहुत टाइम से टाल रहे हैं, और डिसीज़न ऐसा लीजिए जिससे आप खुद को प्लीज़ कर पाए, ना कि किसी और को। तो अपनी आपकी खुशी को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीज़न लीजिए। ओके, यस। उसके बाद है न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ। ओ माय गॉड, ओके, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपको मिल रही है कमिंग डेज में। न्यूज़ आपके बारे में भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ अमेजिंग सा हो रहा है जिसे आप सेलिब्रेट करें, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, वेडिंग हो सकती है, कुछ बहुत ही अमेजिंग सी न्यूज़ आपको मिल रही है जो सेलिब्रेशन के टाइप की, आप सेलिब्रेट करेंगे। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है इसे आपको 100% चेरिश करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और जितना आप ये जो खुशी आपकी लाइफ में आ रही है जितना हो सके उसको एंजॉय करिएगा खुशी को। द ग्रेस एंड आपकी लाइफ में कोई भी अगर चैलेंज आता है या फिर कोई भी पर्सन आपसे गलत बातें करता है, कोई भी पर्सन आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करता है, या ऐसी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं उस टाइम यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि हमेशा ग्रेस से अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश किया करिए। किसी के साथ में इम्पल्सिव आपको बिहेव करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुली अपनी लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करिए, समझ गए ना आप। उसके बाद ईगो, द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। आप में से कुछ लोगों को ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है, ये यूनिवर्स का मैसेज है। ओके, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी ट्रैप्ड है, रुकी हुई है, आप कहीं फंसे हुए हो, पर ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, ये सच नहीं है। एक बार आप यूनिवर्स के सामने इंटेंशन रखोगे कि यूनिवर्स मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे इस स्टकनेस से निकलना है, तो यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारे रास्ते खोल देंगे। तो ये आपका दिमाग आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ फंस गई है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ेगी, बट एक्चुअल में ये बात सच नहीं है। और यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ये भी यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको ना फियर और वरी ने, आपकी चिंता ने, आपकी डर ने आपको काबू में कर लिया है। तो अपने दिमाग को अपने आप पे काबू मत करने दीजिए, आप अपने दिमाग पे काबू करिए। ओके, क्योंकि ये जो डर है, ये जो चिंता है, ये एक्सेसिव थिंकिंग है, ये जो इल्यूजन है कि हम लाइफ में फंस गए हैं, ये सच नहीं है, ये आपके दिमाग का गेम है जो आपका दिमाग आपके साथ में खेल रहा है। ओके, सी द मैसेजेस आर रिपीटिंग। मैंने आपको ये बोला था थोड़ी देर पहले कि आपकी लाइफ में ना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो अपना दिमाग और दिल आप खुला रखिएगा जिससे कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएँ। यहाँ पे इस कार्ड में लिखा हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा अपने डर में कैद हैं,
इल्यूजन में हैं, आप सच नहीं हैं, जो आप सोच रहे हो, जो डर रहे हो वो आपकी लाइफ की सच्चाई नहीं है, फियर आपकी लाइफ की सच्चाई नहीं है, आपकी होपलेसनेस आपकी लाइफ की सच्चाई नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ये जो स्टेट ऑफ माइंड का गेम है पूरा, यहाँ पे स्कॉर्पियोज, यहाँ पे डर का इल्यूजन पैदा हो रहा है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं कि बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फेलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, आप लाइफ में इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, दुखी होने में इतने ज़्यादा बिजी हैं, एंड आई नो ये सबके लिए नहीं होगा, जिसके लिए है वो प्लीज़ ले लें इस चीज़ को, आप इतने ज़्यादा दुखी होने में बिजी हो कि आपकी लाइफ में जो मैजिकल चीज़ें आती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप उन्हें देख भी नहीं पाते, आप सेंस भी नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे आप सैड हो क्योंकि आप सैडनेस पे ही फोकस कर रहे हो, पीछे पलट के देखो यहाँ पे कुछ मैजिकल आपकी लाइफ में हो रहा है। कम आउट ऑफ दिस ट्रैप जहाँ पे आप ये समझते हो कि लाइफ बहुत ही ख़राब है और ऐसा तो नहीं हो जाएगा, आप डर रहे हो किसी चीज़ से, मुझे इतना समझ में आया है, फियर है शायद से फ्यूचर का। पता है अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले मैं खुश थी, पहले मेरी लाइफ में ऐसा था, अब वैसा नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो, आप आगे भी अपनी लाइफ में जैसे पहले खुश थे ना, उससे ज़्यादा आप खुश रहोगे, ओके, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एक डिसअपॉइंटमेंट आया, एक फेलियर आया लाइफ में, अब तो लाइफ कभी वैसी नहीं हो पाएगी, उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी, यही तो बिलीव रखना है आपको। आप स्पिरिचुअल हैं, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि लाइफ में सब खराब हो जाएगा? जिन लोगों के साथ में यूनिवर्स है वो लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? यस, फेथ कभी कभी थोड़ा सा डगमगा सकता है, बट इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में मत जाइए प्लीज़। उसके बाद हमारे पास है वाइज लीडर, यू आर बैकन फॉर अदर्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि आप लीडर बनने के लिए आए हैं अर्थ पे। अब लीडर बनने का मतलब क्या है? हो सकता है आप अपने फैमिली के लिए, फैमिली को सपोर्ट करें, आप एक ऐसे इंसान हैं, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करें, सोसाइटी को सपोर्ट करें, अपनी जॉब में मल्टीपल लोगों को हैंडल करें, हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए एक लीडर बने जब उनको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि आप तो लीडर बनने आए हो, एक समझदार लीडर बनने आए हो, आप खुद ही इतना कैसे डर रहे हैं? आपको तो और ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए, आप खुद इतना कैसे डर रहे हो? तो यस, यू आर बैकन फॉर अदर्स, आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट करने के लिए बने हो। ऐसे नहीं कि लाइफ में यही करते रह जाओगे, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो आपको तो दूसरों से ज़्यादा स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, तो इतने वनरेबल हो के इतना डरने से काम नहीं चलेगा। मिराकल, ये कार्ड ये नहीं बोलता है कि मिराकल आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये कार्ड बोलता है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मिराकल आएंगे तो मिराकल आ जाएंगे। तो यूनिवर्स आपको ऐसे बता रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मिराकल हो सकते हैं? आप बोलते हो कि नहीं, मैं तो होपलेस फील कर रही हूँ, तो यस, ये कार्ड आपके लिए नहीं है। बट अगर आप होपफुल फील कर रहे हो तो यस, ये कार्ड आपके लिए कि मिराकल्स आपकी लाइफ में होंगे। चाहे कैसी भी सिचुएशन ख़राब हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, आप वहाँ से भी री इमर्ज हो सकते हैं पूरे तरीके से। और अगर दिमाग अभी भरोसा नहीं कर पा रहा है ना, तो धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन करो। दिस इज़ वेयर कम्स स्पिरिचुअल टूल्स, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशंस। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करिए प्लीज़, कि वो भरोसा रख सके कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। तो ये कार्ड ऐसा बताता है, फेलो ट्रैवल्स कौन है? फेलो ट्रैवलर्स, आपकी जर्नी में आपके साथी कौन है? आपके साथी यूनिवर्स, गार्जियन एंजल्स, जिस भी डेटीज में आप बिलीव करते हैं, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंसेस्टर्स। तो सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, आप अकेले कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा इल्यूजन हो सकता है कि मैं अकेली हूँ, बट आप अकेले नहीं हो, आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, डेटीज, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, वो सारी एनर्जीज आपको रास्ता दिखा रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं। और मुझे ईयर रिंगिंग सुनाई दी है अभी, तो ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेपिंग इनटू पावर, मैं आपको यहाँ पे बोल ही रही थी कि यूनिवर्स आपकी पावर को आपको याद दिलाना चाहते हैं, और क्योंकि आपको एक लीडर बनना है। यू नो, कितना स्ट्रॉन्ग फिगर है यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग फिगर है। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, छोटी छोटी चीज़ों से घबराया मत करिए, ओके, ये यूनिवर्स का मैसेज है। अब ये पर्सन आंधी तूफान में लैम्प है इसके हाथ में, ओके, ये लीड कर रहा है, पीछे बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा रहा है आंधी और तूफान में।
अगेन थोड़ा लीडरशिप जैसा फील आ रहा है ना, तो आई थिंक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ को समझ पाएँ, क्योंकि आप लोगों को सम हाउ आई डोंट नो, आपकी लाइफ में आप कुछ लोगों के लिए करने के लिए बने हो, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बने हो शायद से, तो आपको खुद तो स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा ना, जिससे कि आप लोगों को रास्ता दिखा सके. तो अपने पावर को पहचाने, पावरफुल आप हैं पर आप भूल जाते हैं बिकॉज आपको डर ने और टेंशन ने आपको कंज्यूम कर लिया है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग ने. ओके, तो माइंड को अपने आप पे रूल मत करने दें, आप अपने माइंड पे रूल करें. और माइंड पे रूल करने का सबसे सही तरीका है मेडिटेशन करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आपका दिमाग आएगा. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग स्कॉर्पियोज. आई रियली डू होप कि इस रीडिंग से आपको कोई वैल्यू मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा. टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.